press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फाइव जी पर एक बड़ा बयान देते हुए एयरटेल ने कहा है कि उनका नेटवर्क पूरी तरह से 5G तैयार है, परंतु स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक निवेश और टेक्नोलॉजी की तैनाती के लिए व्यापार को उचित करना होगा और निवेश पर लौटना होगा। एयरटेल का कहना है कि एक देश के रूप में भारत 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने में देरी नहीं करेगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तुरंत बाद ही एयरटेल अपने 5G सेवाओं को लॉन्च करेगा। इसके लिए स्पेक्ट्रम की बिक्री सस्ती और 5G के लिए परिस्थितिजनक डिवाइस को लाना भी जरूरी है। एयरटेल का कहना है कि तकनीक के रूप में 5G इतना सस्ता नहीं होगा, हम 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का इंतजार कर रहे हैं। एयरटेल के कोर और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 5G के लिए पूरी तरह तैयार है, यहां तक कि रेन टेक्निक के लिए भी टेलीकॉम ऑपरेटर अपने वर्तमान टेक्नोलॉजी भागीदारों के साथ चर्चा कर रहा है। 5G तकनीक के लिए एयरटेल यूरोप के नोकिया, एरिक्सन और चीन के हुआवे एवं जेटी के साथ काम कर रहा है। 5G के तैनाती का एक तरीका NSA है, जो 4G और 5G के साथ मिलकर काम कर रहा है। एयरटेल ने यह भी कहा कि जहां तक 5G का सवाल है, हमारे एयरटेल का मौजूदा कोर आज 5G सिस्टम लेने के लिए तैयार है। 5G व्यवसाय उपभोक्ताओं के लिए वायरलेस तरीके से संचालित होगा। कंपनी को 5G उपयोग मामले को विकसित करने के लिए पावर इंडस्ट्री पार्टनरशिप बनाने की आवश्यकता होगी। सारे कारखाने और अनेक कार्यालय 5G तकनीक के आने से संचालित होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मामले में भी 5G का उपयोग किया जाएगा। 5G का निवेश देश में 4G निवेश के समान ही होगा। कंपनी ने यह भी कहा कि एयरटेल ने भारत में अपने 3G नेटवर्क को बंद कर दिया है और अब कंपनी अपना निवेश सिर्फ 4G और 5G तकनीक पर करेगा। 3G स्पेक्ट्रम एक स्पेक्ट्रम को सिर्फ वॉयस के लिए उपयोग कर रहा था, इसलिए हमने 3G को हटाकर खुद को अब सिर्फ 4G और 5G में निवेश करना उचित समझ रहे हैं। बहरहाल 2G नेटवर्क समान रूप से सिर्फ वॉयस कॉल ही देती है। डेटा और वॉयस के लिए ग्राहक 4G का उपयोग करते हैं। आने वाले समय में हम अपना सारा निवेश 4G और 5G में करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि माना यह जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अक्टूबर में शुरू करेगी। इस नीलामी में सिर्फ एयरटेल और जियो ही 5G स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।